सभी भाइयों को नमस्कार सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से आप पशुपालक भाइयों के लिए एक मिल्किंग वीडियो लेके आ रहे हैं खाली बाल्टी सबसे पहले आपको दिखाई गई है क्योंकि वीडियो के अंदर हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम टाइम पशुपालकों का लें क्योंकि अपना कीमती टाइम जो पशुपालक वीडियोज़ के लिए हमें दे रहे हैं हमारी वीडियोज़ को दे रहे हैं सभी भाइयों का धन्यवाद ही हैं हम और जो भाई पहली बार इस कवरेज को देख पा रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को लाइक करें ताकि वहाँ भी आपको वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे आज की वीडियो है जी आपके अपने फार्म यादव डेरी फार्म से एक ऐसा फार्म जिसको पशुपालकों ने काफ़ी प्रेम दिया और काफ़ी कम टाइम के अंदर मैं कहूँ सोशल मीडिया पे ए, का जो परिवार है हमारा उसको काफ़ी हद तक काफ़ी मैं कहूँगा पशुपालक जुड़े और बढ़ाया है उसके लिए सभी भाइयों के आभारी हैं तो जो भाई आज फिर से नए जुड़े हैं उनको एड्रेस है वो ज़रूर बताना चाहूँगा आज की वीडियो है जी यादव डेयरी फार्म से गांव है हमारा खेड़ा थ्रू डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से और हमारा जो फार्म है रेवाड़ी नारनोल रोहतक होर भिवाणी से लगभग पचास से पचपन किलोमीटर की दूरी पर है आज हम आप भाइयों के लिए अपने ही फार्म से एक सेकेंड टाइमर जोटी की मिल्किंग करवा रहे हैं क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम बार बार एक बात आपको वीडियो में बोलते हैं बच्चा देने से पहले सबकी भैंसें हैं 20 किलो 25 किलो 26 किलो दूध निकालती हैं लेकिन जब बच्चा देने के बाद में मार्केट में पशु आता है मैं मानता हूं वही पशुधन है वो दूध वाला है और वही जो पशुपालक है वो साफ़ सुथरा काम कर रहा है तो आज की वीडियो में दूसरे ब्यात की जोटी साथ में फ़ीमेल काफ और जो मिल्किंग है वो आपको इसलिए करवा रहे हैं कि एक साइड जब पहले हमारी सुरेंद्र सनसनीवाल बाई से बात हुई थी कि आप हमारे पशुधन की मिल्किंग करवाएं तो उन्होंने कहा कि उम्मीद जो जोटी है पवित्र गिल बाई की उसकी मिल्किंग के बाद में आते ही हम आपकी भैंस की जो मिल्किंग करवाएंगे लेकिन अभी साथ में उन्होंने उसी टाइम जो है सरस्वती जो भैंस है वर्ल्ड की रिकॉर्ड होल्डर मुर्रा भैंस उसका जो मिल्किंग का जो डिसीज़न उन भाई ने लिया पवित्र ने और वहीं पे रेगुलर दूसरी साइड जो सरस्वती भैंस है उसकी मिल्किंग चल रही है शाम को छः बज के पच्चीस मिनट पर जो सरस्वती भैंस की मिल्किंग चल रही है इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना अपने ही चैनल पे हम आपको जो मिल्किंग है वो दिखाएं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला है और भैंस है वो अच्छे दूध पे चल रही है तो इसलिए हम आपको ये मिल्किंग दिखा रहे हैं दूसरे ब्यात की जोटी है साथ में जो कटड़ी है एच के सीमन की जो कटड़ी साथ में इसके बात करें काफ़ी भाई हैं पशुपालक वो बार बार बोल रहे थे कि जो अच्छे दूध तैयार दूध वाली भैंस चाहिए और साथ में कटड़ी हो तो मैं कहूँ आज मौके पे अच्छा खासा दूध जो भैंस में तैयार है वो आपको दो टाइम की जो मिल्किंग है वो करवा रहे हैं और बाई अगर वहाँ से आके करवाना चाहें क्योंकि देखिए मिल्किंग का एक ऐसा प्रोसेस है कि मैं मिल्किंग की वीडियो चाहता हूँ कि अदर चैनल वाला बाई है वो हमारे यहाँ से कवर करे क्योंकि उसमें किसी तरह का कहने सुनने की जगह नहीं होती लगभग तीन किलो की जो अगाड़ी है भैंस की निकाल रही है और इतनी गर्मी जिसमें हाई टेम्परेचर पे जो पवित्र बाई को देखते हुए मन बना के मिल्किंग करवा ही देते हैं क्योंकि अच्छे दूध के जो पशु हैं वो काफ़ी कम हैं जो कैमरे के सामने आ पाते हैं देखिए वैसे हमारे हरियाणा को मुर्रा की खान माना गया है नॉर्मल पशुपालक हैं उनके यहाँ पे भी अच्छे अच्छे दूध वाली भैंसें खड़ी हैं लेकिन प्रयास यही है कि अ, कैमरे के सामने लेके आए तो उसी प्रयास में आज की वीडियो है यादव डेयरी फार्म से बिल्कुल छोटे सींग की साइज अच्छा ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए जो पशुपालक लेना चाहते हैं मैं कहूँगा काफ़ी शानदार जोटी है चुवाई बिल्कुल सॉफ्ट है और अभी जो भैंस मान के चलिए जितना भी दूध अब निकालती है सर्दी के टाइम में दो तीन किलो दूध दो ढाई किलो तीन किलो दूध की गुंजाइश है वो पशु में रहती है क्योंकि गर्मी इतनी हद है कि गर्मी की बढ़ी हुई है कि आप मानिए पशु के लिए भी दाना उठा के जुगाड़ी करना बहुत भारी काम है दूसरा चुवाई इसलिए करवा रहे हैं कि सर्दी के टाइम में हमने जो हमारा पशुधन था पहले दो तीन वैसे हैं उनकी चुवाई करवाई थी तो कुछ भाई बोलेंगे कि सर्दी में तो पशु दूध दे ही दे देते हैं इसलिए मन हुआ कि दूसरे ब्याँ की साफ़ सुथरी जोटी है और इसकी जो मिल्किंग है वो आपके समक्ष करवा रहे हैं इसीलिए तो जब वीडियो में आपको मिल्किंग हो जाएगी उसके बाद में जो जो भी भाई ख़रीदेगा उसको या वैसे भी फीडिंग भी बताएंगे कि क्या क्या फीडिंग लेके इस भैंस ने इतना अच्छा जो दूध निकाला है क्योंकि एक ओनर का होना एक भैंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है देखिए दूध वाली भैंसें काफ़ी हैं लेकिन उनको जो मालिक है वो नहीं मिल पाते ये सबसे बड़ी बात है अच्छी अच्छी भैंसे हैं जैसे सुखबीर डांडा भाई ने तरासी ओमबीर भाई हैं पांडवाण से पवित्र भाई हैं ये वो नाम हैं जिन्होंने वो हीरे तरासे हैं जो पशुपालक भाइयों के घरों पे आम पशुपालक के यहाँ खड़े थे और मैं कहूँ हमारे जज्जर में अच्छे अच्छे दूध वाली भैंसे वैसे भी बार बार निकल रही हैं वो चाहे बात करें लीलू राम सुंदर की दादनपुर वाले जो आ, दया किशन जी हैं उनकी भैंस की जो 31 किलो दूध तोल के यहाँ से गई है प्रदीप बाई के फार्म पे और इधर बात करें मामन सिंह मुर्रा फार्म की काफ़ी जो बलवान फौजी अश्वनी और आशीष हैं बागपुर से बाई काफ़ी अच्छे पशुपालक हैं अच्छा अच्छा दूध दिखा रहे हैं वीडियोस में लाइव मिल्किंग करवा रहे हैं देखिए आज से पहले लाइव का कोई ट्रेंड भी नहीं था और जो पशुपालक हैं वो बात करें बार बार ये एक चीज़ थी कि कभी किसी टाइम कभी किसी टाइम लेकिन मिल्किंग का जब से ट्रेंड आया है मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा जो पशुपालकों में जोश और जागरूकता देखने को मिल रही है और जो भाई गबन बैंसों का बीस बाईस किलो बताते हैं मैं तो कहूँगा हर महीने एक भैंस दो भैंस का दूध तो ताकि जो ग्राहक हैं पशुपालक जुड़े हुए हैं वो भी संतुष्ट हों तो साथ में बात करें जोटी की तो जोटी है क्वालिटी वाइज़ आपको कैमरे के सामने दिखाई पड़ रही है बिल्कुल छोटा सींग है जी ठंडे स्वभाव की खाने पीने में काफ़ी अच्छी है और ये जो दूध आपको दिखा रहे हैं इसमें किसी तरह का मान के चलिए भैंस को तेल घी कुछ भी नहीं दिया है नॉर्मल दाने का दूध है वो आप भाइयों को दिखा रही है और ए, मैं कहूँ गर्मी के टाइम में जो भैंस भी देखी जाती है अभी सरस्वती भैंस है वर्ल्ड की फेमस भैंस है उसके लिए दूध को मेंटेन करना क्योंकि एक दूध वाली भैंस ही दूध निकालेगी और वो भी गर्मी के कारण भी अच्छा दूध निकाल रही क्योंकि दूध वाली भैंस है वही अच्छा दूध निकालेगी हम बार बार आपको बता रहे हैं कई भाई हैं जो बोलते हैं कि हमने खरीदी थी बीस किलो की बता के दी थी यहाँ पे चौदह किलो दे रही है पंद्रह किलो सोलह किलो तो दूध तो वही है जो निकाल के दिखाए देखिए कोई बीस लीटर दिखा रहा है उसका अठारह मान के ले ले कोई बाईस दिखा रहा है उसका बीस मान के ले लें क्योंकि एक दो लीटर का फ़र्क के और लीटर में होता है अभी मान के चलिए लीटर पे चुआएँ तो यही भैंस दो लीटर दूध ज़्यादा लीटर का भर देगी क्योंकि गर्म दूध होता है लेकिन केजी और के और लीटर के फ़र्क भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं रेट में काफ़ी फ़र्क होते हैं किलो पे अगर भैंस तोल के खरीदते हैं तो अच्छी खासी पेमेंट है वो भरनी पड़ती है तो आप भाई हैं वो एक चीज़ माने कि दूध है हमेशा देख के लें क्योंकि दूध वही है जो भैंस निकाल रही है आगे का क्या पता बीस किलो दे पंद्रह दे बाईस दे जो निकाल रही है वही भैंस आप दूध वाली मान के लें तो लगभग जो मिल्किंग है वो कंप्लीट होने को है आपका वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है क्योंकि प्रयास रहता है कि आपको शुरुआत में हमने वीडियो में खोल के चला के भी दिखाया और जो प्रयास रहता है कि साफ़ सुथरी वीडियो आपके समक्ष लेके आए एक चीज़ लोग है वो कांटे में फर्क करके दूध तोल देते हैं और कुछ ये मैं कहूँगा जिस दिन हमारे दिमाग में ये विचार आया कि कांटे में फर्क करके दूध तोलना है उस दिन के बाद हम दूध तोलना ही बंद कर देंगे ये बात आप मान के चलिए क्योंकि हमारी सोच अलग है कि दूध और मैं कहूँ पूत है वो किस्मत के होते हैं और दूध में जो झूठ बोले मैं तो उस आदमी को दूध में जो कांटे में फ़र्क करे आप मान लेना कि लोगों की आंखों में धूल झोंक सकता है लेकिन जो भगवान है वो देख रहा है मालिक ऊपर वाला देख रहा है वो उसके आगे आना है वो उसी लेवल का है और वहीं पर रह जाता है दूध तोल तोल में किसी भी चीज़ का हो चाहे दूध नहीं कोई भी चीज़ हो टोल में अगर हेरा फेरी करेगा वो आदमी मैं कहूँगा बिल्कुल ख़त्म और ज़ीरो लेवल का आदमी है तो इस तरह की जो कोई भी चीज़ आपको हमारी घर की मिल्किंग में देखने को नहीं मिलेगी अदर पशुपालक के यहाँ पे अगर हम वीडियो कवर करते हैं तो ये बात सोचने वाली इसलिए कि देखिए दूसरे के घर जाके मिल्किंग करवाना और क्या पता दो टाइम जाएँ तो तो ठीक है नहीं तो लगभग एक ही टाइम की वीडियो कवर हो पाती हैं लंबा लंबा सफ़र तय करके वीडियो बनती हैं और उसमें फिर झूठ पाट वाला सिस्टम अपने पास आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा जो अगला मालिक शेयर कर रहा है वही बात अगर मैं कहूँ कुछ भाइयों की भाषा में तो जो अगला मालिक परोस रहा है वही दिखा रहे हैं लेकिन ए, मैं कहूँ गलत अपनी तरफ से आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा 940 ग्राम की हमारी ये बाल्टी है काटा जीरो कर दिया गया है और अभी जो दूध है वो इसमें आपको दिखाया जाएगा कुछ दूध शुरुआत में कटड़ी लगाते हैं तो वो भी पी लेती है बाकी जो निकला है वही दूध हम आपको बता रहे हैं ठंड से जो दूध आया है वही आप माने और अभी का जो दूध है वो आपके समक्ष ये देख सकते हैं नौ किलो जो नौ किलो से प्लस दूध जो जा चुका है एक बार आपको करीब से दिखाना चाहेंगे एक बार बाल्टी को साफ करके बिल्कुल इसमें डाल देते हैं और दूसरे टाइम की मिल्किंग है वो भी साथ साथ में आपको दिखाएंगे और कोई भी बाइक खरीदेगा दो टाइम की लाइव चलाए बगैर हम फिर से कहेंगे नहीं देंगे क्योंकि दूध है वो मेहनत का होता है और ये देख सकते हैं आप नौ किलो 850 ग्राम जो दूध है वहा है कुछ दूध कटड़ी ने पिया है तो सभी भाइयों को फिर मिलेंगे सुबह दिखाएंगे उससे पहले कांटे की संतुष्टि करवा रहे हैं एक के का बाट रखा दस आठ चालीस क्योंकि बाट है थोड़े बहुत घिस जाते हैं पुराने होते हैं बारह किलो आठ सौ ग्राम जो दूध ये देख सकते हैं हटाने के बाद फिर से वही नौ किलो आठ सौ पचास ग्राम दूध हुआ है तो फिर मिलते हैं सुबह तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार